दो राज्यों की पुलिस आमने सामने होती है, गोलियां चलती है, पुलिस शहीद होते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य का सप्लाई तोड़ता है, दूसरा राज्य गुहार लगाता है, एक राज्य दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करता है और केंद्र चुप है। नॉर्थ ईस्ट जो चाइना और बांग्लादेश को लग के है, हम क्या सोचें, क्या हमारे दुश्मनों को हम पैर रखने के लिए जगह दे रहे हैं? इतनी कड़वाहट दो राज्यों में, मुझे इन दो राज्यों की कड़वाहट से ज़्यादा केंद्र का चुप रहना और इनएक्टिव होना ये बहुत गैरवाजबी लगता है। नमस्कार, स्वागत आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखड़े बोलता है। अशोक वानखड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखड़े तोलता है, और इस बार तुलेगी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हम ऐसे दो राज्यों की बात कर रहे हैं मानो वो दोनों राज्य दो अलग अलग देश है, इस हिसाब से काम कर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ उत्तरी पूर्व के आसाम और मिज़ोरम की। आसाम और मिज़ोरम के झगड़े, जो उनकी जो बाउंड्री है, बॉर्डर है, इसको झगड़े ऐसे चल रहे हैं जैसे पाकिस्तान और भारत के, चाइना और भारत के। अंग्रेज़ों ने जब आसाम में अपनी, मैं आज़ादी के पहले की बात कर रहा हूँ, आसाम पे कब्ज़ा कर लिया और वहाँ से नॉर्थ ईस्ट का पूरा सेक्टर वो देखते थे, लेकिन वहाँ जो मिज़ो हिल्स है वो ऐसा एक क्षेत्र था जहाँ अंग्रेज़ भी पस्त हो गए, अंग्रेज़ भी वहाँ नहीं जा पाए। फिर अंत में जब अंग्रेज़ अपना कॉफ़ी गार्डन वहाँ बढ़ाना चाहते थे उन पहाड़ियों में, तो उन्होंने वहाँ पे जो मिज़ो ट्राइब थी, आदिवासी थे, उनके जो लीडर थे, उनसे बातचीत करके उनसे एक एग्रीमेंट कर लिया कि हम आपको प्रोटेक्शन भी देंगे, हम देखेंगे कि बाहर के लोग आपको तकलीफ़ नहीं दे और हम भी तकलीफ़ नहीं देंगे, हमें काम करने दिया जाए, और वो एग्रीमेंट हुआ। आसाम से ही मिज़ोरम और अरुणाचल प्रदेश और तीन चार राज्य निकले हैं, और ये सभी राज्यों की आसाम के साथ डिस्प्यूट है। सारा खेल 1875 और 1975 का है। 1875 में जो बाउंड्री दी थी दो दो राज्यों के बीच में, जो एक सरहद बनाई गई थी, उसके बाद 1975 में फिर एक सरहद बनाई गई है। मिज़ोरम के लोगों का कहना है कि ये जब 1975 में नया खेल हुआ, इसमें हमको ना पूछा गया ना हमारी बातचीत हुई, इसलिए हम उसी बात को मानते हैं जो 1875 में जो काम हुए हैं, और हम उसी को बाउंड्री मारते हैं। और ये झगड़ा लगातार चल रहा है, हर शासन में ये झगड़े होते हैं। केंद्र नॉर्थ ईस्ट, लुक नॉर्थ ईस्ट बोलता तो है लेकिन करता कुछ नहीं। अब आपको मैं विषय पे आता हूँ, जहाँ पे एक तो मैंने आपको बैकग्राउंड बताया, विषय ये है कि मैंने भाजपा को क्यों तोलता हूँ, क्योंकि केंद्र में भाजपा की सरकार है, असम में भाजपा की सरकार है, और मिज़ोरम में एनडीए की सरकार है, जिसे हम भाजपा की सरकार कह सकते हैं। ये दोनों भाजपा की सरकारें, राज्य सरकारें आपस में ऐसी लड़ रही मानो जो दुश्मन देश हो, और केंद्र चुपचाप देख रहा है, ये सबसे बड़ी केंद्र की विफलता है। फिर आसाम पुलिस और मिज़ोरम की तरफ से झगड़े हुए, जिसमें 6-7 आसाम पुलिस के जवान शहीद हुए, और ये जो हिंसा है ये आज की नहीं है। 2018 में बड़ी हिंसा हो गई थी, 2020 में हिंसा हुई, और एक सप्ताह के बीच में दो बार हिंसा हुई उसी क्षेत्र में, लेकिन केंद्र ने कभी उसको तवज्जो नहीं दी। और स्थिति ये हो गई कि हाल ही में जैसे ही वहाँ चुनाव हुए, नए मुख्यमंत्री आए, नए मुख्यमंत्री ने शायद अपनी सत्ता में आने के बाद ये सोच लिया कि अब उनको आसाम की बाउंड्रियाँ बढ़ानी है, या फिर आसाम की अस्मिता को लेके वो इतना जागरूक हुए कि दोनों राज्यों में झगड़े ऐसे हुए जो आपके सामने हैं। अब उसके बाद की स्थिति की इतनी भयावह है कि जो नेशनल हाईवे दोनों के बीच में चल रहा है, जो क्योंकि मिज़ोरम जो है वो अंदर के तरफ है, तो वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो आसाम से ही जाता है, तो पूरा हाईवे वहाँ का बंद है, और ट्रक्स पिछले 8-10 दिनों से उस हाईवे पे खड़े हैं। मिज़ोरम सप्लाई खोलने की बात करता है, और आसाम में सरकार कहती है कि लोग जो 6 जवान मारे गए पुलिस के, आसाम पुलिस के, उससे इतने आहत है कि वो रास्ता रोक के धरने पे बैठे हैं।
केंद्र ऊपर से देख रहा है, केंद्र लगातार दोनों मुख्यमंत्रियों से बात करता है, उनके डीजीपी से बात करता है, उनके गृह सचिवों से बात करता है, लेकिन उसका हल कुछ नहीं निकलता, हल बरकरार है। और चीज़ें इतनी अब बुरी हो गई है कि दोनों पुलिस, मतलब आसाम की पुलिस मिजोरम के मुख्यमंत्री को ढूंढ रही है और मिजोरम की पुलिस आसाम के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR करके ढूंढ रही है। आसाम के पुलिस ने मिजोरम के सांसद के घर बाहर दिल्ली में नोटिस चस्पा कर दिया है, क्योंकि उनको इंक्वायरी के लिए बुलाया है। दोनों तरफ से तीर बराबर चल रहे हैं। और सबसे घटिया बात जो मुझे लगती है, जो हमारे प्रजातंत्र के लिए घातक है, एक एडवाइजरी जारी की, सूचना जारी की अपने जनता के लिए आसाम के सरकार ने कि मिजोरम में जाना खतरे से खाली नहीं है। ये एडवाइजरी, ट्रैवल एडवाइजरी बोलते हैं इसको, ये ट्रैवल एडवाइजरी मैंने जीवन भर पत्रकारिता में जब भी सुनी, एक देश दूसरे देश के खिलाफ देता है, या कोई बहुत महामारी हो किसी देश में, या किसी देश की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई हो, तो देश अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी करता है, ट्रैवल एडवाइजरी, जिसमें ये कहता है कि कृपा करके आप उस फला फला देश में ना जाएं, क्योंकि वहाँ महामारी है, आपकी जान माल का खतरा है, और वहाँ लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ी हुई है कि वहाँ सरकार अपने जनता को सुरक्षा नहीं दे पा रही, तो आपकी सुरक्षा नहीं कर पाएगी, तो आप जाएं नहीं। दूसरी तरफ मिजोरम के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके एक फोटोग्राफ भेजा है, जिसमें आसाम के जो लोग मिजोरम में रह रहे हैं उनके टीकाकरण अपने सामने करवा रहे हैं, और एक तरफ कह रहे हैं कि आसाम के मेरे भाइयों की हम पूरी तरह से यहाँ पे सारी व्यवस्था देख रहे हैं, और आसाम कहता है कि मिजोरम में जाने की ज़रूरत नहीं है। इतनी कड़वाहट दो राज्यों में, मुझे इन दो राज्यों की कड़वाहट से ज़्यादा केंद्र का चुप रहना और इनएक्टिव होना, ये बहुत गैरवाजबी लगता है। क्या ये देश किसी और के तरफ जा रहा है, किसी और इंडिकेशन दे रहे हैं सिग्नल्स? क्योंकि भारत, जिसको हम अखंड भारत कहते हैं, वो भारत बना है विभिन्न छोटे छोटे संस्थानों का विलीन कर, और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अथक प्रयास करके, जिसको हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत कहते हैं, उस भारत की संरचना की, और भारत आज हमारे सामने खड़ा है, जिसकी अखंडता की हर सरकार कस्में खाती है। हमारे देश में दो राज्यों के बीच में डिस्प्यूट नया नहीं है, कई राज्य है जहाँ डिस्प्यूट कंटिन्यूस चल रहा है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उसके बाद आपका नॉर्थ ईस्ट में तो करीब करीब हर राज्य में कहीं ना कहीं डिस्प्यूट है। लेकिन इसका हल करने के तरीके हैं, कमीशन बनाए गए हैं, कमीशन के थ्रू करते हैं, कई जगह सर्वोच्च न्यायालय में ये चीज़ें रखी हुई है। लेकिन ये तमाम चीज़ें होते हुए भी ऐसा क्या होता है कि हमारे यहाँ पे आज लोग हिंसा पे आते हैं, दो राज्यों की पुलिस आमने सामने होती है, गोलियाँ चलती है, पुलिस शहीद होते हैं, एक राज्य दूसरे राज्य का सप्लाई तोड़ता है, दूसरा राज्य गुहार लगाता है, एक राज्य दूसरे राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करता है, और केंद्र चुप है। आज ही हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो नए IPS अधिकारी थे, प्रशिक्षण ले रहे थे, उनके लिए लगातार भाषण दे रहे थे, उनको बता रहे थे, उनका परिचय ले रहे थे, और उन्हें बता रहे थे कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है। जब प्रधानमंत्री देश के नव जो शिक्षित प्रशिक्षित जो प्रशिक्षण ले रहे IPS अधिकारियों को ये बताते हैं कि उनकी ड्यूटीज़ क्या है, काश वो ये बात अपने गृह मंत्री को बताते कि उनकी भी ड्यूटी क्या है। क्या दो राज्य आपस में लड़े और केंद्र ऐसा ही छोड़ दे और मात्र मीटिंग मीटिंग का खेल खेले, और मिजोरम की जनता आज भी सप्लाईज़ के लिए जो उनको पूर्ति होती है सामान की, उसके लिए तरस रही है, क्योंकि हाईवे पिछले 8 दिनों से ब्लॉक्ड है। एक रेलवे लाइन जाती है जो आसाम से निकलती है और वो मिजोरम पहुंचती है, सुना गया है कि वहाँ पे रेल भी उखड़ी गई है, मतलब कहीं से संपर्क में राज्य नहीं रहे। ऐसी यदि मनीषा बड़े राज्य की होगी तो फिर नॉर्थ ईस्ट जो चाइना और बांग्लादेश को लग के है, हम क्या सोचें? क्या हमारे दुश्मनों को हम पैर रखने के लिए जगह दे रहे हैं? क्या हम ऐसा एक ग्राउंड बना रहे हैं जहां लोग इतने नाराज़ हो अपने देश से कि वो विदेशी ताकतों की ओर देखें? ये मसला सिर्फ भारत की आंतरिक सुरक्षा का नहीं है,
ये मसला बाहरी सुरक्षा का भी है। ये तमाम चीज़ें ये सरकार सीरियसली क्यों नहीं ले रही है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है जो मैं आपके सामने छोड़ के जा रहा हूँ। और जब ये बातें सामने आती हैं, जब ट्रैवल एडवाइजरी होती है तो हद होती है, तो लगता है कि क्या मिज़ोरम एक अलग देश है, आसाम एक अलग देश है और भारत एक अलग देश है। फिर जो हमारा संघीय ढांचा है उसका क्या, फिर हम अखंड भारत की बात करते हैं उसका क्या, मात्र 370 या 35 ए हटाने से अखंड भारत की बात करें, कश्मीर में भारत को जोड़ने की बात करें, कश्मीर की जनता को भारत को जोड़ने की ज़रूरत है। ज़मीन तो पहले से जुड़ी हुई है, ज़मीन तो मिज़ोरम की भी भारत से जुड़ी हुई है, ज़मीन तो आसाम की भी भारत से जुड़ी हुई है, भारत का विभिन्न एक हिस्सा है, अभंग जो कभी न टूटने वाला। लेकिन क्या वहाँ के लोगों को केंद्र के प्रति इतना आश्वस्त होना चाहिए कि हमारे बड़े भाई हमारे अभिभावक दिल्ली में बैठे हैं, यदि बच्चे झगड़ा करते हैं तो वो उनको डांटेंगे, इंटरवीन करेंगे, लेकिन झगड़ा बरकरार है, रोड ब्लॉकेज बरकरार है, ट्रेन ब्लॉकेज बरकरार है। और सरकार भले ही कहे, एसपी कहते कि रोड ब्लॉक नहीं है, लेकिन फिर ट्रकों की लंबी कतार रोड पर क्यों खड़ी है? मानो यूं ही लोग ट्रक वाले हाईवे पर खड़े होकर 8-8 दिन मजे ले रहे हो। कि सरकार करती एक है, बोलती एक है, कथनी और करने में इतना फ़र्क हमने देखा है। इसलिए मैं उन ट्रक वालों पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ किसी राज्य सरकार के पुलिस ऑफिसर के भरोसा करने के बजाय। तो ये तमाम खबरें हैं, और यदि ये जल्दी समेटा नहीं गया तो फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय जो फिर के जिनके डिस्प्यूट है, वहाँ यदि ये वॉयलेंस शुरू हो गया तो फिर क्या हम पूरा नॉर्थ ईस्ट आग की तरफ झोंक रहे हैं? ये भी एक सवाल है जिसका जवाब इस केंद्र को देना पड़ेगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं तोलूँगा तो बीजेपी को तोलूँगा, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार, इन दोनों राज्यों में उनकी सरकार, नॉर्थ ईस्ट में उनकी सरकार। इसमें एक राजनीतिक यदि विश्लेषण करूं तो ये है कि हेमंत जी को जब से वहाँ मुख्यमंत्री बनाया गया है, उनका एक अपना सपना है, वो नॉर्थ ईस्ट के पूरे आसाम के साथ नॉर्थ ईस्ट के अनक्राउंड किंग बनना चाहते हैं, राजनीतिक गॉडफादर बनना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से नॉर्थ ईस्ट में जो राजनीतिक वजूद दिया वो हेमंता जी ने दिया, क्योंकि संघ ने तो आप बहुत बड़ा ग्राउंड तैयार कर रखा था, लेकिन उस संघ के ग्राउंड को एक राजनीतिक सत्ता के समीकरण तक ले जाने का काम इन्होंने किया। और सोनोवाल की जगह जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया तो ये लग रहा था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट को वो बहुत प्यार से संभालेंगे, लेकिन लगता है मुख्यमंत्री बनने के बाद थोड़ा गुरूर उनमें भी आ गया है, और शायद वो बाकी नॉर्थ ईस्ट के जो 7 राज्य हैं छोटे छोटे, उन्हें वो अपने मंडलिक या गुलाम समझने लगे हैं। यही कारण है कि आज दोनों राज्य, एक मिज़ोरम और आसाम, आमने सामने हैं। इस राजनीतिक पहलू को भी देखना चाहिए, और यहाँ पे केंद्र सरकार ने जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी, यदि इसका निराकरण नहीं किया तो ये आग और पकड़ेगी। और मुझे इस आग से डर इसलिए है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना बिल्कुल मुहाने पे बैठा हुआ है, वो ताक में बैठा हुआ है कि उसे कब ऐसा चांस मिलता है। वो विद्रोह की जगह देख रहा है, वो लोगों के नाराज़गी की जगह देख रहा है ताकि अपने पैर फैलाए, और हमें उनको रोकना है। मात्र सैनिकों की शहादत से बाउंड्रियाँ सेफ नहीं होती, लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, यदि हमारे आंतरिक सुरक्षा ठीक है, हमारे यहाँ स्टेट प्लेयर्स नहीं मिलते विदेशी ताकतों को, तो हमारा देश बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। लेकिन जो हम स्टेट प्लेयर्स बोलते हैं वो पैदा ही इसलिए होते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं नाराज़गी के सुर जब उनके उठने लगते हैं तो हम उनको तवज्जो नहीं देते। ये बहुत बड़ी बात है और केंद्र सरकार को इसको देखना होगा। आज इतना ही, फिर आऊँगा किसी नए विश्लेषण के साथ। तब तक आप देखते रहिएगा हिंद वॉइस।